अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो ना आप देख ही सकते हैं यार, कौन सी गाड़ी यहाँ पे नहीं है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटली, हर गाड़ी यहाँ पे है। और आज की वीडियो की खास बात यह है कि आपको मैं प्राइसेस के साथ बताऊंगा, आप लोग फिर कंपेयर भी कर सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से, या वैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्राइसेस हैं इनकी दुबई में। तो मैंने इसलिए कि न्यू गाड़ियों पे वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कोई प्राइसेस के साथ मुझे गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन इस शोरूम के ऊपर प्राइसेस लगी हुई हैं गाड़ियों के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। अगर से आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया होगा लेकिन बेल आइकन भी दबा दें। तो यहाँ पे ये सारी जो है ये फरारी खड़ी हुई है, ये लाइनअप सारी फरारी की है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मिक्स गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लाइनअप बुगाटी की है, ये भी बुगाटी है, बुगाटी विरोन शिरोन सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी से, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। ये SUV है तो इसकी प्राइस सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये है इसकी प्राइस, मैं कन्वर्ट करके पाकिस्तान इंडिया के यहाँ पे मेंशन कर दूंगा हर गाड़ी की। और ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, जो भी इस गाड़ी की डिटेल है, मॉडल वगैरह सब कुछ, और कंडीशन आपके सामने है इन साइड से, और बैक साइड से देख लेते हैं। येलो कलर का काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एग्जॉस्ट चेक करें यार, इसके चार चार एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है। तो इन्होंने मेन इंट्रेंस पे सबसे पहले गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, एक बुगाटी शिरोन और एक लेफ्ट्रारी खड़ी की हुई है। और बुगाटी शिरोन की प्राइस सबसे पहले देख लेते हैं। आपको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी है और है भी काफ़ी प्यारी, तो इसकी प्राइस ये लिखी हुई है, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और ये है 1,46,00,000, 1,46,00,000 दिरहम्स की, क्या बात है। तो ये है जी बुगाटी, इसका मैं आपको लुक सारे दे देता हूँ क्या है। कार्बन फाइबर वगैरह हुआ पड़ा है इस पर, और इसका कलर वाइट नहीं है, ये ब्लूइश सा शेड आ रही है इसके कलर में, और बहुत कमाल है यार। वैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बुगाटी का, लेकिन ये काफ़ी प्यारी लग रही है। और इसका इंजन देखें, उसके बाद ये खड़ी है लेफ्ट्रारी, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है बुगाटी के मुकाबले में ही है, मे बी उससे थोड़ी कॉस्टली हो या कम हो, अभी देख लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। और ये इलेक्ट्रिक कार है, ये चार्ज हो रही है, इसका चार्जर ही इतना होगा कि बहुत महंगा, इसका चार्जर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। तो ये है इसकी फ्रंट से लुक, और इसकी देखते हैं प्राइस। तो ये है इसकी डिटेल, 2015 मॉडल है ये, 1,16,00,000 की है दिरहम की, 1,16,00,000 दिरहम की। लेकिन वो जो बुगाटीज खड़ी हैं उनसे महंगी ये वाली फरारी है। उसके बाद यहाँ पे भी पूरी लाइनअप है फरारीज़ की, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बुगाटी की प्राइस बता दूँ क्या है। और अगर ये बुगाटी वेरॉन है, और ये 1 of 1 है स्पोर्ट एडिशन में, इसकी जो है ना इस पूरी दुनिया में इस टाइप की एक ही गाड़ी है। और ये है 1,40,00,000 दिरहम की, और ये इसकी आप डिटेल सारी देख सकते हैं। और कार्बन फाइबर है, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है इसके कलर का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और बैक साइड से भी देख लेते हैं, कमाल है यार, ज़बरदस्त। तो ये जो दो बुगाटी खड़ी हैं इनकी प्राइसेस इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, तो वो भी चेक कर लेते हैं क्या प्राइस है इसकी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास दो बुगाटियाँ खड़ी हैं, इनकी प्राइसेस काफ़ी कम है दूसरी बुगाटी से, तो देखते हैं। ये है 66,00,000 की, और 2010 मॉडल है, इसकी माइलेज वगैरह आप देख सकते हैं कितनी है। और ये गाड़ी है, ये फुल कार्बन फाइबर है, इसका भी देख लेते हैं क्या प्राइस चल रही है। इसकी भी 66,00,000 है, और ये 2009 मॉडल है, 2500 किलोमीटर्स ओनली चली हुई है। सुपर कार्स जो होती हैं वो ऐसी चली होती हैं, कम ही ड्राइव होती हैं। तो इसको बैक साइड से देख लेते हैं क्या सीन है इसके। तो ये है इसकी बैक साइड, तो ये थी इनके पास चार बुगाटियाँ। और अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे जो जी वैगन खड़ी हुई है, ये ब्राबस है, और वो भी ब्राबस है। और ये जो है
बहुत बड़ी गाड़ी होती है एज़ यू नो, कि देखो कितना इसकी कंपेयर में कितनी बड़ी लगी है, लेकिन वो जो है वो कितनी बड़ी लग रही है यार, ये उसके सामने बच्ची लग रही है। वो सिक्स व्हीलर है और ये 4x4 है, वो 6x6 है। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको दिखाया था इसकी प्राइस वगैरह क्या है, और ये है इसकी डिटेल, और ये है 17 लाख दिरहम की, और कुछ कार्बन फाइबर भी इस पर है, ये आप जिस तरह देख सकते हैं। और बाकी देख लेते हैं क्या कंडीशन इसकी चल रही है। ये तो ये है जी इसका ओवरव्यू बैक साइड से, और उसके साथ ही ये खड़ी है मॉन्स्टर, क्या बात है। इसके सस्पेंशन चेक करो यार, कमाल है ये तो बाबा। छोटी गाड़ी के ऊपर से ऐसे चढ़ के जाए इसको पता ही ना चला कि किसी के ऊपर से भी गिजरी है ये गाड़ी। और ये 6x6 है, इसकी प्राइस वगैरह देख लेते हैं क्या प्राइस है। बहुत बढ़िया यार। तो ये है इसका फ्रंट से लुक, और इसका भी कार्बन फाइबर का काम वगैरह भी हुआ पड़ा है, और देख लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। ये है 38 लाख दिरहम की, 38 लाख दिरहम की है ये वाली गाड़ी। तो ये आपने मर्सिडीज़ देख ली, और उसके बाद है कुछ लग्जरी गाड़ियां दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको फरारीज भी दिखाया था, उनकी प्राइस भी दिखा देता हूँ। बेंटली देखते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं, और रोल्स रॉयस हैं इनकी प्राइस देखते हैं। तो बेंटली, मोस्ट लग्जरी गाड़ियों में बेंटली और रोल्स रॉयस आती हैं, तो बेंटली सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये बेंटली कॉन्टीनेंटल है, ये 13,70,000 दिरहम की है, क्या बात है। इसका रेड मेहरून सा कलर है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है। और इंटीरियर देख लेते हैं, वाओ क्या लग्जरी इंटीरियर है इसका, ज़बरदस्त। बैक साइड से कमाल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये रोल्स रॉयस डॉन है, और कन्वर्टेबल है ये, इसकी प्राइस भी देख लेते हैं क्या चल रही है। ये है जी 2017 मॉडल, और 11,20,000 दिरहम की है। बाकी आपके सामने है, वाइट कलर है इंटीरियर, इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, वाइट वाइट है। और बेंटली का इंटीरियर जो है ना, इससे ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ज़्यादा प्यारा है। तो उसके बाद बैक साइड से देख लेते हैं, बैक साइड से वही जिस तरह होती हैं सारी रोल्स रॉयस, सेम ये भी एक रोल्स रॉयस खड़ी हुई है। इसका इंटीरियर देख लेते हैं क्या है और प्राइस क्या है। इसका इंटीरियर भी जो है ना क्रीमिश शेड का है, और गाड़ी के कलर के साथ मैच है, डबल शेड है। और इसकी जो है तो इसकी प्राइस 8,80,000 दिरहम है, 2014 मॉडल, और माइलेज वगैरह आपके सामने है सारा कुछ। फ्रंट फेस को देख लेते हैं, ये है जी इसका फ्रंट रोल्स रॉयस। अभी मैं आ गया हूँ फरारी वाली साइड पे, यहाँ सब फरारीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरारी एनजो से, हर टाइप की फरारी है इनके पास यार, लेफ्ट फरारी भी है, एनजो भी है। तो लेकिन ये 2004 मॉडल है, इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई, प्राइसेस वगैरह नहीं लिखी हुई, वारंटी भी नहीं है, तो इसको हम इतना नहीं देखते, लेकिन बस आप देख लें कैसी है। उसके बाद ये लेफ्ट फरारी खड़ी है, इसकी प्राइस मैंने आपको दिखा दी है उस पर लेफ्ट फरारी की, इसकी भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने प्राइस है, और नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं, उसकी प्राइस मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। और तो नेक्स्ट हमारे पास फरारी 488 है, और यार देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है ये, बहुत ज़बरदस्त। और इसका इंजन देख लें, ये है इसका इंजन, और इसकी मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ। ये साइड से इसकी लुक है, और कार्बन फाइबर वगैरह भी इस पर है। और ये है जी 2019 मॉडल की, 18,50,000 दिरहम की, और फ्रंट से भी क्या कमाल है यार, ज़बरदस्त। ये है जी फरारी 488। और तो ये है फरारी 458, और ये देख लें इसका लुक ज़बरदस्त, और इसकी देख लेते हैं क्या माइलेज है, क्या प्राइस है इसकी। ये पहले फ्रंट से आप चेक कर लें गाड़ी 458 फरारी। ये है जी 15,50,000 दिरहम की 458, ये आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। 2015 मॉडल है, तो आपके सामने है ये। प्राइसेस का आइडिया आपको हो रहा होगा, बल्कि हो ही गया है, बाकी निगोशिएट वगैरह तो हर जगह पे चलती है नेगोशिएशन। तो ये है फरारी 488 एक और हमारे पास, और इसकी पहले प्राइस वगैरह देख लेते हैं। 17 मॉडल है, और ये है जी 7,85,000 दिरहम की, और ये आपके सामने है, येलो कलर है। और अच्छा, फरारी पे जो है ना, जो रेड कलर है ना, वो फरारी के लिए बना है कसम से,
बहुत प्यारी लगती है रेड में। येलो में भी अच्छी लग रही है लेकिन रेड जो है ना वो रेड है, और मोस्टली यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी भी रेड ही हैं फरारी। तो इसकी सीट्स जो अंदर से हैं वो रेड ही हैं अंदर से सीट्स इसकी। और बैक साइड देख लेते हैं, ये है जी बैक साइड। तो आप लोगों ने प्राइस देख लिया फरारी की, बहुत सारी फरारी हैं, सबकी प्राइस मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों का आइडिया हो गया होगा कौन सी गाड़ी कितने की मिल रही है। जो फेमस मॉडल्स हैं उनकी मैंने प्राइस वगैरह आपको बता दी है। वैसे क्लासिक गाड़ियाँ भी यहाँ पर फरारियाँ खड़ी हैं। और अब चलते हैं किसी नेक्स्ट किसी और गाड़ियों की तरफ। ये है बेंटली GT3R और ये स्पोर्ट एडिशन लग रही है, स्पोर्टी बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और इसकी प्राइस आप देख लें 8,45,000 दिरहम। और इसकी मैं और ये देख लें, काफ़ी प्यारी लग रही है यार, स्पोर्टी स्पोर्टी लुक है, लग्जरी के साथ साथ स्पोर्टी भी है भाई, कमाल है, बेंटली बेंटली है। और तो नेक्स्ट हमारे पास मर्सिडीज SLR है। तो ये तीन खड़ी हैं यहाँ पे, मैं आपको जो है ना एक गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने की है ये SLR। फ्रंट से देख लें और इसकी जो प्राइस है वो 8,99,000 दिरहम है, 2005 मॉडल है और ये आपके सामने है। नेक्स्ट मर्सिडीज SLS और इसकी प्राइस वगैरह भी देख लेते हैं, गाड़ी देख लें आप लोग। और ये 2014 मॉडल है, 27,50,000 दिरहम की। तो ये देख लें जी मर्सिडीज। और ये जो है मर्सिडीज SLS AMG, तो ये यहाँ पे ये भी तीन चार पांच बल्कि और भी खड़ी हुई हैं AMG जो हैं। ये है जी लैम्बोर्गिनी हरोकैन और इसके ऊपर सेम पट्टी लगी हुई है जिस तरह मेरी गाड़ी के ऊपर लगी हुई है, सेम स्टाइल है, वो मेरी ब्लैक में है और इसकी जो है ना डिफरेंट कलर है। और 8,65,000 दिरहम और ये आपके सामने इसकी डिटेल है, 2018 है और ब्रांड न्यू है, क्या बात है, 0 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, यानी कि सॉरी 1 किलोमीटर भी नहीं चली हुई, ज़बरदस्त यार, सही है प्राइस तो। और ये खड़ी है लैम्बोर्गिनी हरोकैन परफॉर्मेंटे। और तो अभी हम लैम्बोर्गिनी परफॉर्मेंटे स्टार्ट करवाने लगे हैं, देखते हैं इसके एग्जॉस्ट। क्या बात है यार, बड़ी लाउड है ये गाड़ी, बहुत लाउड है। ये है जिसका इंटीरियर अभी स्टार्ट की है, बहुत लाउड है यार, कम होती जा रही है लेकिन स्टार्ट की थे बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इसकी। और इसकी प्राइस है 9,75,000 दिरहम, 5,500 किलोमीटर्स ड्रिवन है और मैट फिनिश में है और काफ़ी अच्छी लग रही है। पीछे जो इसके एग्जॉस्ट इन्होंने किया ना ऊपर, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, कमाल है। और गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। बस बेल आइकन तो दबा दो यार, YouTube की तरफ से ईमेल आई है कि सिर्फ 2-3% लोगों ने बेल आइकन बजाया हुआ है, वो देखो लैम्बोर्गिनी जा रही है टो ट्रक की लैम्बोर्गिनी के दिवाए तो बेल आइकन लाजमी बजा दो और इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लो। और देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार, 4-5 घंटे की लगते हैं शूट करने में, उसके बाद फिर एडिटिंग और क्या क्या करना पड़ता है। तो सब्सक्राइब बेल आइकन तो लाजमी आप लोगों ने बजाना है।